तहसीलदार जम्मू जी ने सस्पेंड कर दिया गया, वो उनको सस्पेंड करके अच्छा किया या बुरा किया? उनको सस्पेंड करके बहुत बुरा किया है, क्योंकि वो काम कर रहे थे, हर एक बंदे का काम कर रहे थे। हमने ये पिछले मेरे ख्याल इनकम सर्टिफिकेट था किसी का, तो वो लेने के लिए हैं, पिछले 27 तारीख को दिया था, वो दूसरे ही दिन उन्होंने बनवा दिया, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, उन्होंने बना दिया। ऐसा कोई काम नहीं है कि वो काम रोक रहे थे, और वो बखूबी कर रहे थे, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, और तब भी इतना डोमिसाइल बना रहे थे लोगों के, इतने काम कर रहे थे, मेरे को समझ नहीं आता उनको क्यों सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वो काम करने वाले बंदे बहुत ही अच्छे और काम करने वाले, अगर कोई काम करने वाला है तो वो रवि जी आए थे, उनके अलावा जो भी आए थे मुझे नहीं लगता उन्होंने इतना काम किया होगा, लेकिन रवि जी बहुत ही काम करते थे और पूरी अच्छे दिल से काम करते थे, पूरे दिल से काम करते थे। तहसीलदार जम्मू और इनकी सस्पेंड करी उड़िया ते ए शाल कीता या गलत कीता? नहीं, तहसीलदार बड़े अच्छे आदमी है और पब्लिक ने बड़ा काम किया। इवन ऑफिस टाइम के बाद ही लोग आते हैं 3 बजे तुम थे आओ गेट के बच्चे, जिसकी डोमिसाइल जरूरत है जाए नहीं कुछ, कोई जो एमरजेंसी काम बच्चे जरूरत होंगे है ना बुला 3 बजे आप मेरे पास आ जाओ, जहाँ गेट पर आ जाओ, मोबाइल फोन करो, वो भी शाम को करके देते, जिनके एमरजेंसी नेचर के थे उनके देते, बाकी कहते बाद में ले लो। अच्छे रहे हैं, 2 साल काटा उन्होंने, किसी को तंग नहीं किया। तो दोबारा होने की बात करना चाहते? हाँ, अच्छे कहते आने चाहते, अच्छे अफसर जरूर आने चाहते, क्योंकि तुम किसी पब्लिक से ग्रीवेंसेस लोगे सारी पब्लिक यो कहेगी ही इज़ वेरी गुड मैन। तहसीलदार जम्मू रविशंकर होने की सस्पेंड करी उड़िया, तुम दसो कि शैल किया या बुरा किया? देखो जी, पता क्या है, जरा काम करने वाला बंदा ना उसे कोई भी नहीं टिकन देता, ठीक है, वो काम करा रहे वधिया काम करा रहे ना, तो जोड़ा आहे मैं तो एक लोकल आदमी है काम काज करने वाला, तो जोड़ा बंदा साढ़े ने बंदे की अप्रोच करता है इसका मतलब अच्छा है, तो उहो जे बंदे की तुसें सस्पेंड, एक ट्रांसफर तो आहे सुनिया है कि बंदा अगे पिछे होंदा, वो एक सिस्टम का हिस्सा है, अगर कोई तुसें ट्रांसफर करना तो उसी एक इनाम देने बजाय काम का उसी रिवार्ड मिले या उसी डिमोशन मिले, वो कोई ठीक काम नहीं है। आस्ते एल जी साहब या जड़ा भी ये कन्नै सिस्टम जुड़े हुआ है उनके अगर अपील करके कि एक बहुत ही अच्छे आदमी और बड़ा ही चंगा काम करने वाले, गरीब बंदे का तो हर बंदे का काम करने वाले ने, इंदे उपर जड़ा है जड़ा एक्शन लेता गया है, असें पढ़िया पेपर च पढ़िया या सोशल मीडिया देखा थोड़े थ्रू, वो एक चंगा काम नहीं किया गौरमेंट ने, और इये ने बंदे की हर ऑफिस च जरूरत है। वापस बहाल होना चाहिए उन्हें? हाँ जी, हाँ बिल्कुल 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 बहाल होना चाहिए उन्हें की, और इमीजिएटली होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होंगे कि एक काम करने वाले बंदे की ठेस लगती है, अगर साढ़े ने बंदा यह सोचा था जो पर गल हुई है उसी कि ज़्यादा सेटबैक हुई होगा, जोड़ा मॉरल बदना बजाय एक घटिया होना, तो अगर आने वाले टाइम अगर वो बेचारा भी दुए अफसरें के नक्शे कदम पर चल गए तो आम पब्लिक के काम नहीं होने हैं, इस करिए इन अफसर जोड़े ने डिपार्टमेंट चाहिए, और अस अपील करके एल जी साहब अगे गौरमेंट अगे और थोड़े मंच के थ्रू तुम बड़ा अच्छा काम करा रहे हो कि उ बंदे अच्छे तो एक मुहिम छेड़ी हुई है, तो अस थोड़े मंच और थोड़े चैनल के थ्रू अपील करा एल जी साहब की तो गौरमेंट की डिवकॉम की डीसी मैडम की कि इन्हें बंदे की जल्दी तो जल्दी बहाल किया जाए, और ये जरा सस्पेंड करने वाला हुआ वो एक अटैक ही है, तो एक उन्हें इनाम देना चाहिए, इन्हें ने रिवार्ड नहीं देना चाहिए। तहसीलदार जम्मू रविशंकर होने की जरा सस्पेंड करी उड़िया, एक काम शैल किया या फिर बड़ा भैड़ा किया? नहीं, सारे हिसाब ने तो गलत किया, क्योंकि एक अच्छा बंदा ही, क्योंकि कोई भी ऑफिसर होगा तो टाइम तो लगता, कोई भी चीज़ का वर्क करना टाइम तो लगता, अगर डोमिसाइल बना देगा, एक डोमिसाइल बनाने भी वास्ते भी कम से कम भी 5-10 मिनट तो लगते ही लगते हैं, तो वो उपर COVID-19 के उपर उन्होंने ड्यूटी लगी थी, जिस तरह टैसटिंग होगी थी उत्थे भी वो ड्यूटी करते हैं, अपना डोमिसाइल भी बना रहे ने, और COVID-19 उपर जिते जिते क्वारंटाइन सेंटर ने उत्थे भी वर्क कर रहे हैं, तो इन्ना एक हफ्ते उपर इन्ना वर्क करने के बावजूद भी अगर उन्हें सस्पेंड किया जाए तो मेरे हिसाब से गलत किया। हाँ जी मिले, बहुत अच्छे, वेरी नाइस पर्सन, कई बार तो उन्होंने बाहर भी लगाया होता है, अपना बाहर भी आम पब्लिक मिलते ही डोमिसाइल बना के देंगे, अभी अपने लोगों के बनवाने हैं, सोशल लोग है तो बनवाने हैं, तो एक मिनट जी बना के देंगे, बाल होने चाहिए जी, पक्का बाल होने चाहिए, थैंक यू। तहसीलदार जम्मू जो रविशंकर जी उन्हें की सस्पेंड करी उड़ा गया, ये काम जरा शैल किया या गलत होया? ये बहुत ही ज़्यादा गलत काम होया, तहसीलदार साहब न मैं जाति तौर पर भी जानता हाँ, रजौरी पुंछ वाली साइड दे सी के एस अफसर सी, बहुत नाइस तो बहुत आनेस्ट अफसर सी,
ईवन एक बार तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस दसना कि रात के 9 बजे मेरा बेटा उनके को डोमिसाइल की फाइल करा के लिया है और जिथे तक सुनने आया एक दिन तो रात कोई 1:30 बजे तक इतने बैठ के डोमिसाइल दाइलों इशू करते रहे। मोस्ट आनेस्ट परसन सी, आज दिन तक उनके करप्शन का एक भी कोई चार्ज नहीं लगा और ना ही असी तो पब्लिक चुनने अस देखिया काफ़ी बारी पब्लिक ना मिलने हैं किसी भी शख्स ने कभी भी उनके ते चुआनी रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया। इन्ने अच्छे बंदे ही कि जिसले गड्डी लेइए आते हैं उतरू आते हैं डीसी ऑफिस का गेट है इतने रोकी लेंदे है जेडे पिछे जे यंगस्टर बच्चे से ना जिन्हों की या कोई लास्ट डेटा हो आदि फार्म भरन नौकरी वाले फार्म भर या एडमिशन दे वो आपे ना उनके को फाइल फाड़ के ना इतने ही आउट ऑफ रूटीन कई अद्धे अद्धे घंटे 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 उन्होंने इशू करी ओड़े। तो वैसे भी कोविड के टाइम से उन्होंने ड्यूटी शहर से लगी थी, खैर नौकरी से नखरा कि ड्यूटी ड्यूटी तो उन्होंने देनी सी लेकिन वो काफ़ी अच्छे तरीके उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल हज़ारा की तादाद से उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इशू किए जिथे तक सुनने आ रहे हैं उन्होंने एलीगेशन से कि उन्होंने ऑनलाइन फाइल तेजी नाल प्रोसैस नहीं की। इसी मैं तहसीलदार साहब का नहीं फेलीयर गिनागा, गोरमेंट के बिहाफ तो गोरमेंट का फेलीयर गिनगा कि उन्हें गी स्टाफ गे नहीं दिते दा गया। उन्हें नवे तहसीलदार साहब आए हैं कमलप्रीत सिंह होरी, ये भी बहुत अच्छे अफसर न, बहुत नाइस ने, जेंटल न, ये भी आनेस्ट न, लेकिन एक जिहड़ी गलती गोरमेंट ने की इत्थे सुधारी है उनके कन्ने 6-7 बंदे ना लाई उड़े ना ऑनलाइन इशू करने वास्ते। तुस हिसाब लाओ 6-7 बंदे ऑनलाइन इशू कर लगे हो एक ने तो 2 दिन पेंडेंसी सारी खत्म हो जानी। ये गलती कुसे दी ते सजा कुसे दी, ये तो जियां गऊ हत्या की गई है ना उस हिसाब नाल इन्हें सस्पेंड किया गया। ये अनहेस्ट अफसर से इन्होंने KAS की थी, इन्हें 1.5 KAS अफसर आ रहे कि बड़ा अनहेस्ट है, बड़ा फुर्तीला है, बड़ी अच्छा काम करता पे है। बाल होना चाहिए वापस इन्हें गए नहीं। मैं तो गवर्नमेंट की अपील करगा कि अगर किसी की गलत शिकायत नाल या ऑनलाइन वाली शिकायत करने उन्हें ये सस्पेंड किया गया अपने आर्डर ही सुधारी लो। मैडम DC मैडम को उनकी इनकुआरी आई थी 15 दिन उन्होंने इनकुआरी करनी है तो इनकुआरी 1-2 दिन भी खत्म हो सकती। आम जनरल पब्लिक के तुम सारे के व्यू ले लो, तुस भी लै दे व्यू, मैं दिखा दा हाँ मी नहीं लग्या होना कोई उनके खिलाफ बोलिया होना तो वो फौरन उन्हें बहाल करना चाहिए और उस कुर्सी पर बहाल करना चाहिए, यो जी अफसर ही प्रमोट करना चाहिए और उन्हें ये सस्पेंशन उनकी कैंसल करनी चाहिए है। ये मेरी तुंदे चैनल के माध्यम नाल इयो एक प्रार्थना गवर्नमेंट अगे कि उन्हें जल्दी तो जल्दी बहाल किया जाए, इयो जी आनेस्ट अफसर नू प्रमोट करना चाहिए। ठीक काम करते हैं आते हैं लॉकडाउन से भी बच्चे ने जो भी डोमिसाइल बढ़ाते हैं कि उनके सगो अच्छे तरीके करने बेहिए उन्हें काम किए। बाकी लॉकडाउन मैक्सिमम जगह है ना इतने चले करता उदा कुछ खा लेंगे खान मैक्सिमम अक्सर लोग अंदर मंगवाते हैं पर ठीक है मैं ऐसी कह सकते कोई गल नहीं। फोन करियै फोन किया आखिया मैं आना आई इतने बैठे थे बार सारे सामने गए उन्हें उल्ला गया बनाइया उन्हें इशू करी ओड़िया को अच्छे हे उन्हें कुसे दा भी कम नहीं रोकिया उन्हें कुसे भी जिन्हें फोन किया उन्हें फोन पर गया जिहड़ा कुतै बाहर रुकिया उन्हें बाहर भी अच्छे अफसर ऐसी गल नहीं है लेकिन ठीक नहीं होता कन्नै लोकें दा ये आखना कि उन्हें स्टाफ नहीं पूरा थोया हा तां करिए वो स्टाफ ही थोया बेसिकली फिर वो लॉकडाउन की बड़ी प्रॉब्लम है ना उनकी डिप्टियां भी किश बाहर ते किश कुतै ते फिर उहदी वजह कन्नै भी वैसा होया अपनी बखरी जगह ड्यूटी लाई दी शायद ऐसा होया तां कि उन्हें नहीं टाइम मिला नहीं तो बड़ा काम किया उन्हें लॉकडाउन च भी बड़ा काम साढ़ा इधर बाहर बैठी बैठी है इधर काउंटर पर बाहर बैठी बैठी है साढ़ा बाहर बैठी बैठी है उन्हें बड़ी प्रॉब्लम पर ऐसा नहीं ठीक है। चाह की दुकान है कभी चाह पीन ताई आए हैं चाह पीन दे बेचारे कल भी आए थे वो चाह तो उन्हें कल भी पिलाई ही चाह की बड़ी याद करते हैं चाह की बड़ी याद करते चाह की ऐसी कोई गल नहीं है लेकिन ठीक नहीं आता कन्नै उनके बाल दोबारा होने चाहिए वो अपनी सेहत बाल होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बाल होना चाहिए बाल जरूरी होना चाहिए। जम्मू तहसीलदार होने की सस्पेंड करी उड़िया एक काम खरा किया या फिर बुरा किया? ये बहुत बुरा किया है बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर से सारा काम करते सी रात 9-9 बजे तक 12 बजे तक रात इधर फाइलें इशू करते सी तहसीलदार होकर मैं खुद थोड़ा बहुत काम कराया उनके को अपना डोमिसाइल इशू करवाया कई अपने क्लाइंटा से इशू करवाए ना
ਰਾਤੀ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਰੋਡ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਫੋਰਮ ਸੀ, ਓਨੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕਲਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਾਏ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੇਐਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਰੀਇੰਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਉੜੇ ਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਅਸ ਕੁਛ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਆਣ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਇਆ ਲੋਨ ਉਸਤੇ ਕਰਿਉੜੇ ਬਸ।